दिल्ली की केजरीवाल सरकार का एक और बड़ा फैसला, सड़क हादसों में घायलों को मुफ्त इलाज कराएगी सरकार। सरकारी और प्राइवेट अस्पताल दोनों में होंगे फ्री इलाज। देश की राजधानी में अब अगर कोई सड़क दुर्घटना में जख्मी हुआ तो सरकारी ही नहीं बल्कि प्राइवेट अस्पतालों को भी मुफ्त में इलाज करना होगा। जी हाँ, सड़क हादसों में घायलों को प्राइवेट अस्पताल में होने वाले इलाज का खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। सड़क दुर्घटना में जख्मी लोगों की जान बचाने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अहम फैसला लिया है। तय किया है कि देश की राजधानी में, चाहे वो देश का हो या विदेश का, अगर वो सड़क हादसे में जख्मी हो जाता है तो दिल्ली के सरकारी अस्पताल में ही नहीं बल्कि प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त में इलाज किया जाएगा। केजरीवाल कैबिनेट की बैठक में पास हुए प्रस्ताव के मुताबिक राजधानी के किसी भी इलाके में सड़क दुर्घटना के साथ साथ आगजनी और एसिड अटैक से घायल होने वाले पीड़ितों का इलाज भी नजदीक के निजी अस्पतालों में कराया जा सकेगा और यह खर्च भी दिल्ली सरकार उठाएगी। दिल्ली सरकार ने इस योजना के लिए राजधानी के 350 से ज्यादा निजी अस्पतालों को पैनल में शामिल किया है। एक अनुमान के मुताबिक राजधानी दिल्ली में हर साल तकरीबन 8000 सड़क हादसे होते हैं और इन हादसों की वजह से 15 से 20 हजार लोग जख्मी हो जाते हैं। वक्त पर सही इलाज नहीं मिल पाने की वजह से बहुत लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। ऐसा देखा भी गया है कि पुलिस की जांच और अस्पताल की तरफ से पूछताछ होने की वजह से कोई भी आदमी सड़क हादसों में घायलों को अस्पताल पहुंचाने से कतराता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की माने तो दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाने वाले शख्स को 2000 रुपए बतौर प्रोत्साहन राशि दिए जाएंगे। दिल्ली सरकार का मकसद सड़क हादसों में ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट न्यूज़ लाइव।